जेईई का एक ही रूल है कि उस टाइप का एक एक क्वेश्चन पहले आपका किया होना चाहिए। क्वेश्चन तो हर साल नहीं आते। फेल करना तो बहुत मोटी बुक है यार। जो नहीं किया क्वेश्चन वो आगे पर कर एग्जाम में तो फिर आपकी हिम्मत जो है वो एकदम से जो है ड्रॉप हो जाती है, तो फिर आप पूरे एग्जाम में बस पेज इधर उधर पलटते रहते हैं। पीसीएम में बैलेंस जरूरी होता है, इंडिविजुअल कट ऑफ निकले तो और दुख होता है। एक बच्चा था टॉप बैच में, उसकी मैथ तो थी एकदम फाड़, ओवरऑल स्कोर ठीक था पर केमिस्ट्री कट ऑफ की वजह से वो रह गया आईआईटी में जाने से। इलेक्ट्रिकल गुवाहाटी में मिल जाती। ले लो क्या मिलेगा। स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो है आपका उसे तो बहुत अच्छे से पढ़ो, पर बाकी में मिनिमम कट ऑफ है उसको पार कर लेना वो भी जरूर। मेरे बेटे की रैंक 15,000 आई थी। कोचिंग में डाला था उसे? हाँ जी गया था मैं कोचिंग में। विरोड़ो की? हाँ जी की थी, पर बीच बीच से एक दो क्वेश्चन। ऐसे बीच बीच से नहीं होगा, अगली बार पूरी करना हो जाएगा। अगले साल होगा ना तब दे देना। 10th तक मैं फेल होती थी लेकिन 11th में आपकी एडवाइस से आईआईटी मिल गया मुझे। कैंपस प्लेसमेंट से 50 लाख पर एनम की जॉब लग गई। अब यूएस में ज्वाइनिंग एयर टिकट कराई है इंडिया। मेरा बच्चा यंगेस्ट आईआईटीयन बन गया है, आपकी ही गाइडेंस से हुआ है सब। पहले तो आपकी गाइडेंस से मुझे आईआईटी दिल्ली में सीएस मिल गई। सेकेंड ईयर तक जीपीए लो थी लेकिन आपकी गाइडेंस से सुधर गई। कल ही मुझे गूगल में जॉब मिल गई। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो से ऑफेंड ना होना क्योंकि कृपा जो है वो वहीं अटकी हुई है।